आज के इस वीडियो में यूपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर की नई भर्ती का आवेदन करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसका आवेदन अपने मोबाइल से कर पाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप किए हुए तो आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं होगी और आपका कोई सवाल भी नहीं बचेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहां आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा या फिर आप विजिट कर सकते हैं sarkaririzulthd.com पे। यहां पे 13 अगस्त से इसका आवेदन शुरू हुआ है, 13 सितंबर अंतिम डेट है और 21 से 40 वाले इसका आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती है, 281 पद हैं। बीई और बीटेक वाले इसका आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने दिए गए क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। इसका आवेदन करने से पहले ज़रूरी है कि आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ लें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही आपके सारे सवाल सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन हिंदी, इंग्लिश, डॉक और पीडीएफ फाइल में दिखता है। आपको जिसमें भी पढ़ना है आप यहाँ पे क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई वाले पे क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पे ये डिटेल दिखने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपने यूपीपीएससी में किसी भी फार्म का आवेदन किया है इससे पहले। अगर आप यस करते हैं तो आपसे पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। यदि नो करते हैं तो आपका जो पूरा फार्म है आपके सामने खुल के आ जाता है। अगर आप पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका आधा फार्म लगभग भर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो आपका फार्म रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और उसे इंटर करने के बाद प्रोसीड करने पर आपका आधा फार्म भर जाएगा, जैसे कि नाम, फादर नेम, मदर नेम। तो चाहे तो आप उस तरह कर सकते हैं या फिर एक नया वाला भी भर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा, जैसे कि हाई स्कूल में है, यहाँ पे आपको मिस्टर, मिसेज, केएम, डॉक्टर, इंजीनियर ये सब नहीं लगाना है। यहाँ पे पिता या फिर हस्बैंड का नाम लिखना है। यहाँ पे ये बताना होगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश से हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से होंगे तभी आपको इन चारों ऑप्शनों का फ़ायदा मिल सकता है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर, एक्स SSO या फिर CO, ECO या फिर हैंडीकैप या फिर स्किल प्लेयर। अगर आप नहीं हैं तो इन चारों ऑप्शन जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये नहीं दिखेंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तभी यस करिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप रहेंगे तभी आपको कैटेगरी भरने का मौका मिलेगा, अन्यथा आप ऑटोमेटिक जनरल में काउंट किए जाएंगे। नीचे जाने पर आपको बताना होगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार में एम्प्लॉई हैं। तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। यहाँ पे है कि क्या यूपीपीएससी ने कभी आपको डिबार किया है, मतलब जब आप परीक्षा में नकल करते हैं या फिर कोई गलती करते हैं तब आयोग कभी कभी आपको डिबार करता है। तो अगर यस तो यस करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी, फिर डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपको जेंडर बताना है, मेल, फीमेल। इसके बाद ये बताना होगा कि क्या आपकी शादी हुई है। यहाँ पर नीचे आपको मोबाइल नंबर भरना ज़रूरी है और ईमेल आईडी। ये दोनों आपको हमेशा ऐसा नंबर यूज करना चाहिए जो कि कुछ दिनों तक चालू रहे, क्योंकि इसके जो भी कम्युनिकेशन होंगे आयोग और आपके बीच में, दोनों के लिए ईमेल आईडी का ही सहारा लिया जाएगा। नीचे जाने पर आपको अपने हाई स्कूल का बोर्ड का नाम यहाँ भरना होगा, आपका जो भी बोर्ड हो। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताना है, आपने कब पास किया था, हाई स्कूल का रोल नंबर। अगर आपने इंटरमीडिएट भी किया है तो यहाँ पर सबसे पहले चेक बॉक्स है, इसको चेक करना होगा, तब आपको इंटरमीडिएट वाला डिटेल भरना है जैसे कि आपने हाई स्कूल में भरा है। इसके बाद नीचे जाने पर अब आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल भरना होगा। यहाँ पे जो भी आपके पास होगा आप उसी को यस करेंगे, जो नहीं है उसको आप नो करेंगे। जैसे कि जो पहला वाला है इसमें है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के एक इंजीनियरिंग ब्रांच में स्नातक की उपाधि या फिर उसके समकक्ष कोई अन्य मान्यता। अब समकक्ष के लिए आप इसका नोटिफिकेशन पढ़िए, यहाँ जा करके यहाँ पे क्लिक करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप स्नातक हैं इंजीनियरिंग में तो आपका ट्रेड इन्हीं में से एक होना चाहिए, जैसे सिविल, यांत्रिकी, कृषि, विद्युत, केमिकल, इंडस्ट्रियल, फायर, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इनमें से कोई है तभी आप यस करिए।
चूँकि फार्म इसी वैकेंसी के लिए है तो यहाँ पे आपको यस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि हैव यू ऑलरेडी टेंडर 1 ईयर सर्विस आर मोर इन एनी सेंट्रलाइज सर्विस आर इन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ऑफ हाउसिंग अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट। मतलब क्या आपने पहले कभी किया है कहीं पर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में? तो है तो आप यस करिए, नहीं तो आप नो करिए। यहाँ पे अगर आपने पूछा है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में सहायक अभियंता के लिए आप पहले से हैं, जैसे कि वहाँ पे कोई संविदा उम्मीदा की वैकेंसी हुई हो, तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। जो भी आपके पास होगा उसी के लिए आप यस करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि क्या आप सिविल में, अगर आप पीडब्ल्यूडीज वाले से हैं तो 1 साल की छूट चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। इसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ फिल करना है और वैलिडेट एवं प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। तो जब आप वैलिडेट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फार्म एक बार दिखाया जाएगा। आप ये देख लीजिए कि आपने जो भी भरा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई गलती करेंगे तो आप कभी भी इसको सही नहीं कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक करना होगा और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करना है। अगर नहीं सही है, कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं, तो जब आप इस चेक बॉक्स को हटाएंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और आसानी से आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ सही है और हम सबमिट करेंगे। कहा जा रहा है वही कि इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चेक कर लें कि सब कुछ सही है कि नहीं। सब कुछ सही है और हमने ओके कर दिया। अब आ गया पेमेंट की बारी। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। देख सकते हैं कि वीडियो बनाने तक लगभग 13,000 लोगों ने इसका आवेदन कर दिया है। यहाँ पे नीचे जाने पर जो हमारा फीस है ये केवल 25 रुपये है और यहाँ पे क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके कैटेगरी के मुताबिक जो आपका फीस होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। फीस जमा करने के लिए क्लिक हियर टू पे रिक्वायर्ड फीस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कहा जाएगा कि एक बार फीस जमा होने के बाद आप अपने डोमेसाइल कैटेगरी सब कैटेगरी में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई चेंज करना है तो आप यस करिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ सकते हैं। नो करने के बाद अब आप अपने पेमेंट वाले पे आ चुके हैं और यहाँ पे स्टेट बैंक के सामने क्लिक करके नीचे प्रोसीड टू फी वाले पे क्लिक करना होगा। पेमेंट होने के बाद आपका ये मैसेज आएगा कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है और आपका बैलेंस डिडक्ट होता है तो आपको 24 घंटे इंतज़ार करने के बाद यहाँ से इसके मेन वेबसाइट पर जाकर उसे फिर से चेक करना होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली हो चुका है और हम ओके कर देते हैं। थोड़ी देर में ये मेन वेबसाइट पे रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे कहा जाएगा कि अगर आप चाहें तो इस रिसिप्ट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब आपको फाइनल सबमिशन के लिए प्रोसीड करना होगा और उसके बाद इस तरह के पेज के बाद आप यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देंगे। अब है फोटो और सिग्नेचर की बारी, जो कि यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको कुछ इस तरह अपलोड करना होगा कि एक साथ दोनों अटैच हो और इसकी हाइट और विड्थ को आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह आप अपने फोटो और सिग्नेचर को अटैच करके तब अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड इंटर करना है, जैसे है वैसे ही। और ये कैप्चा कोड इंटर करने के बाद सीधे आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना होगा। फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ गया। ये फोटो आपका 50 KB से कम रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नीचे जाने के बाद प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। आपका फार्म कुछ इस तरह दिखेगा। नीचे जाने पर यहाँ आपको ट्रेड बताना है कि आपका ट्रेड कौन सा है। जो भी आपका ट्रेड होगा आप उस पर ट्रिक कर देंगे। अगर एक से अधिक है तो आप चाहें तो एक से अधिक ट्रेडों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने में कोई गलती होती है तो यहाँ पे क्लिक करके रीसेट करके फिर से सेलेक्ट करने का मौका आपको दिया जाएगा। नीचे जाने पर आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है, उसके बाद यहाँ से आपको यस करना है। यस करने के बाद अब आपको प्रीव्यू फार्म पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार आप चेक कर लें, क्योंकि एक बार ये कंप्लीट हो गया तो आप कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। कैप्चा कोड गलत होगा तो आपको एक दो बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो आप ज़रूरी से इस कैप्चा कोड को अच्छे से भरें।
और इस सबमिट एप्लीकेशन पे जा करके आप अपना फार्म अब सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओके करना है और ओके करने के साथ ही जो आपका फार्म है सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फार्म है डाउनलोड वाले पेज में आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक QR कोड, यहाँ पे एक स्कैन कोड और नीचे आपका फार्म दिखता है जो कि कुछ इस तरह का है। नीचे आपको ये दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन फार्म अंडर प्रोसेसिंग में है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब इसे प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी भविष्य के लिए इसे रख पाएंगे। तो इस तरह बड़े ही आसानी से आप अपना आवेदन कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।